तो आज का वीडियो है हिंदी व्याकरण से, और हिंदी व्याकरण से आपको बताएंगे भाषा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, व्याख्या करें। भाषा, भाषा के बारे में आप जानते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, यानी कि हम अपनी भावना को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यूं कहे मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। तो ये हो गया भाषा। और जानते हैं आप भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर पहले हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, यानी कि मनुष्य की जो हो वाणी हो वो सार्थक हो, निरर्थक ना हो, यानी कि उसका अर्थ समझ में आए ऐसा वाणी हो, तो उसी को हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे है यह कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे यह तीन प्रकार की होती हैं। यह तीन प्रकार की होती है, और तीनों को लिखेंगे और उसका जो है उसका व्याख्या कर देंगे, यानी कि परिभाषित कर देंगे। तो पहला मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, मनुष्य अपने जो है विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा में लिखेंगे, मौखिक भाषा में क्या होता है, जब हम अपने विचार को बोल कर प्रकट करते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम जो है अपने विचार को, अपने भावना को बोलकर प्रकट करेंगे, ठीक है, तो इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा, तो इसके लिए लिखेंगे, जब हम अपने विचार को यह बोलकर, और इसके लिए लिखेंगे लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कि हम ये बता रहे हैं, ये लिखकर बता रहे हैं, तो ये लिखित भाषा है, और हम जो बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीसरा लिखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है सांकेतिक भाषा। क्या है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी संकेत, ठीक है। तो लिखेंगे हम, जब हम अपने विचार को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, तो इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जब हम अपने विचार को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। संकेत द्वारा प्रकट करना, जैसे कि ये ज़्यादा जो है ये ट्रैफिक लाइन में चलता है, जैसे कि आप ऐसा देखे होंगे, जैसे देखिए, जैसे ऐसे P लिखा रहेगा और ऐसे रहेगा कटा हुआ, ऐसे
कटा हुआ, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, नो पार्किंग। यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये नो पार्किंग है। और मान लीजिए ऐसा हो कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये सिगरेट है, ठीक है, और ये जल रहा है और आपको ऐसे लगाया है इस पे ऐसे बैंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं जलाना है। तो ये है सांकेतिक भाषा, ये ट्रैफिक लाइन में ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यही है, भाषा तीन तरह के है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।